दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में सबसे ज्यादा लीलाएं की थी, तभी हम सभी भगवान कृष्ण को लीलाधर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत ही ज्यादा नटखट थे और बचपन में गोपियों के घरों से माखन तक चुरा कर खा लिया करते थे। दोस्तों, इन सभी बाल लीलाओं का जिक्र अनेक पुस्तकों और पुराणों में मिल जाता है। यशोदा मैया के आंचल में पल रहे कृष्ण ने गोपियों और ग्वाल बालों संग अनेक लीलाएं की थी, जिसके जरिए उन्होंने संदेश भी दिए। इन्हीं लीलाओं में से एक लीला कृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र चुराने की भी है। नटखट कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराने के साथ उन्हें ज्ञान दिया था। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों गोपियों के वस्त्र कृष्ण ने चुराए थे। दोस्तों, कृष्ण भगवान कितने नटखट थे ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। वो बहुत ही शरारती थे, वो बहुत ही ज्यादा उथल पुथल किया करते थे। उनकी लीलाओं से हर कोई परेशान रहता था। वो कभी किसी गोपी की मटकी फोड़ देते तो कहीं किसी गोपी के घर जाकर माखन चुरा लाते और सब दोस्त मिलकर उस माखन को बहुत ही चाव से खाया करते थे। दोस्तों, इनकी बाल्यकाल की तमाम लीलाओं में से एक लीला है गोपियों के वस्त्र को चुराना। इस कथा का उल्लेख हमें पद्म पुराण में देखने को मिलता है। ये कथा कुछ इस प्रकार की है कि रोज की तरह गोपियां एक दिन तालाब में स्नान करने के लिए एकत्रित हुईं और स्नान के लिए तालाब में जल में उतर गईं। भगवान कृष्ण पेड़ पर बैठे ये सारा दृश्य देख रहे थे। जब गोपियां स्नान करने में व्यस्त हो जाती हैं, तभी कृष्ण चुपके से नीचे उतरकर गोपियों के वस्त्र छुपा देते हैं। जब गोपियां स्नान कर चुकी होती हैं और अपने कपड़े लेने का सोचती हैं, तो देखती हैं कि उनके सारे कपड़े अपने स्थान पर हैं ही नहीं। ये देखकर गोपियां घबरा जाती हैं और यहां वहां देखने लगती हैं। तभी उनकी नजर पेड़ पर छुपकर बैठे कृष्ण पर पड़ती है और वो समझ जाती हैं कि जरूर वस्त्र कान्हा ने ही चुराए होंगे। ऐसे में वो कान्हा से निवेदन करने लगती हैं कि वो वस्त्रों को वापस कर दें। गोपियों के ऐसे आग्रह पर कृष्ण उनसे जल से बाहर निकलकर वस्त्र लेने को कहते हैं। इस पर गोपियां कहती हैं कि उन्हें निर्वस्त्र जल से बाहर निकलने में शर्म आती है। दोस्तों, कृष्ण गोपियों से बात करते हैं कि उन्हें जल में बिना वस्त्र के नहाने में शर्म नहीं आई, जबकि वो जल में प्रवेश करते समय भी बिना वस्त्र के ही होंगी। इस पर गोपियां कहती हैं कि उस समय यहां पर कोई नहीं था। गोपियों के इतना कहते ही कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि कैसे सोच लिया उन्होंने कि यहां पर कोई नहीं था, जबकि मैं तो हर कण में मौजूद हूं। इसके साथ ही यहां पर आसपास जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी और पशु, ये सब भी तो मौजूद हैं। वहीं जल के प्राणियों ने तो तुम सबको बिना वस्त्र के देख ही लिया है और स्वयं जल के देवता वरुण देव भी तो तुम्हें देख ही रहे हैं। इसीलिए ऐसा संभव है ही नहीं कि निर्वस्त्र स्नान करने के दौरान तुम्हें किसी ने ना देखा हो। श्री कृष्ण गोपियों को वस्त्र चुरा कर यही समझाने का प्रयास करते हैं कि बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। इस बात का उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिलता है कि स्नान के समय हमारे पूर्वज आसपास ही होते हैं। स्नान के दौरान गिरने वाले जल को पूर्वज ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं, और अगर बिना वस्त्र के कोई मनुष्य स्नान करता है तो पूर्वज अतृप्त रह जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति के पूर्वज उनसे नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति का धन, ऐश्वर्य, बल, तेज, सुख सब कुछ चला जाता है। इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक और कारण है जिसके कारण श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण लीला की थी, पर यह इतना रहस्य है कि इसे केवल वही समझ सकते हैं जिनके दिल में माया नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण के लिए प्रेम रहता है। दोस्तों, गोपियां कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए बचपन से ही कात्यायनी व्रत करती थी, जिससे कात्यायनी माता प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती हैं कि श्री कृष्ण उनके पति होंगे। हम जानते हैं कि निर्वस्त्र केवल अपने पति के सामने जा सकती हैं, यानी श्री कृष्ण लीला ने गोपियों को यह संदेश दे दिया कि वही उनके पति हैं और गोपियों के कात्यायनी व्रत का फल उन्हें मिल चुका है। उनका व्रत सफल रहा और अब गोपियों की आत्मा पर केवल और केवल कृष्ण का अधिकार है। दोस्तों, इस रहस्य को जानकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपको हमारी मेहनत भरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने
सगे संबंधियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।